शुजाबाद के अंजमन ताजरान ने 8 से 16 मई तक लगाए जाने वाले लॉकडाउन के अहकामात को मुसरद करते हुए एहतजाज किया। उनका मुतालबा है कि तमाम कारोबारी मराकज को SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दी जाए। मज़ीद जानते हैं एहतजाज में मौजूद अतीकुर रहमान खोकर से। जी अतीकुर रहमान, क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ शुजाबाद के मेन मरकज़ में। हुकूमती अहकामात पर अमल करते हुए 8 मई से 16 मई के लिए मुल्क में लॉकडाउन जारी है। इसी तरह शुजाबाद में भी ताजिर हजरात लॉकडाउन पर अमल करते हुए दुकानें बंद क्यों हैं, लेकिन जिन दुकानों को इस्तिस्ना हासिल थी जिनमें से किराना की स्टोर, मुर्गी की दुकान, फ्रूट की शॉप और पेट्रोल पम्प, मेडिकल स्टोर शामिल थे, वो तो बाहर क्यों हैं, लेकिन जिन दुकानों को बंद कर दिया गया उनके खिलाफ ताजरों ने एहतजाज किया हुआ है। ताजरों का क्या मुतालबा है, मेरे साथ मौजूद है मरकजी अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा महमूद अलहक, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मुतालबा है। जी, ये हुकूमत ने 8 मई से 16 मई तक जो लॉकडाउन लगाया है, हम समझते हैं ये ताजरों का मुआशी कत्ल है, ताजरों के साथ ज्यादती है। क्योंकि बात यह है कि आप ये बंद करके जो 4, 5, 6 कारोबार हैं, जूती का कारोबार है, कपड़े का कारोबार है, कॉस्मेटिक्स का कारोबार है, जनरल स्टोर है और चूड़ी का कारोबार है, उनके सारे साल के दारोमदार है रोज़ी का, वो ईद का होता है। आपने जब ये बंद कर दिया तो उनके बेचारों के घर के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अपने ये फैसला वापस लें और आप इसको 24 घंटे के लिए खोलें ताकि लोगों का रश कम से कम पड़े। जब आप किसी चीज़ को क्लोज करते हैं तो रश बढ़ता है। टाइम को अगर आप क्लोज करते हैं, आप टाइम खोल दें, 24 घंटे के लिए खोलेंगे, इंशाल्लाह ताजर भी मुकम्मल SOPs पर अमल करेंगे, मास्क भी पहनेंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करेंगे, सोशल डिस्टेंस भी इंशाल्लाह रखेंगे। आपसे हम मुतालबा करते हैं इसको 24 घंटे के लिए खोल दें। जी, जैसे कि आपने अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी की बात सुनी, उनका भी यही मुतालबा है कि अगर हुकूमत जिन दुकानों को बंद करने के अहकाम दे चुकी है अगर वो वापस ले ले और इन्हें 24 घंटे के लिए बहाल कर दिया जाए तो इससे कोरोना भी कम ठहरेगा और आवाम में समाजी फासला भी पाया जाएगा। और हम यकीन दहानी कराते हैं कि ताजिर हजरात SOPs के तहत अमल दरामद करते हुए अपने कारोबार को जारी रखेंगे।